Hello everyone. Good afternoon, all of you. How are all of you doing? How's everyone? Just give me a second. All right. So I hope all of you are doing great. Right? All doing good. I hope all of you are safe, sound, at homes, doing your preparation. Yesterday I couldn't take your class. I wasn't doing well, so I could not take the class yesterday. But we are going to have the session and we are going to complete the session today. And we were on the month of March. How many had we done from March? March se kitne question kar liye the hum logon ne? How many questions were done for the month of March? Anyone remembers? Anyone here who remembers the last question we did? I believe we had done 30 questions, so I'll be taking from 30th. All right, and I believe आप लोगों का static section भी मेरे साथ ही है. आई जस्ट गॉट दी अपडेट अबाउट स्टैटिक जीके. कल से आप लोग का स्टैटिक जीके शुरू हो रहा है और वो भी मेरे साथ ही है. तो स्टैटिक जीके हम लोग जो करने वाले हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में है. ठीक है, तो स्टैटिक जीके कल से आप लोगों का शुरू हो रहा है स्टैटिक सेक्शन. ठीक है, जस्ट वन सेकेंड. तो एक मिनट रुकना बस, आई विल गिव अ फ्यू डायरेक्शंस. कल से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है स्टैटिक जीके एंड वो मेरे साथ ही है. आई जस्ट सॉ इट. तो स्टैटिक जीके के अंदर हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में. ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं और एमसीक्यू में भी जो करंट से जुड़े हुए स्टैटिक है वो हम लोग ज्यादा कवर करेंगे क्योंकि उनसे क्वेश्चन ज्यादा आता है. ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? जो करंट में स्टैटिक है. तो करंट का स्टैटिक रखेंगे ही साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर एंड यू नो रिवर बैंक्स एंड ऑल, उन सबका हम लोग एक मिक्स बैग रखने वाले हैं. तो आई गेस आई हैव 3 to 4 क्लासेस ऑन दैट. आई विल चेक दैट आउट एंड लेट यू नो. तो उन क्लासेस में एमसीक्यू रखेंगे तो पढ़ के आना है सबको. स्टैटिक का करंट तो आप लोग सभी पढ़ते ही हैं, करंट जीके तो आप लोग पढ़ते ही हैं. मेरे पास इतनी क्लासेस नहीं है कि मैं आपको पूरा सेग्रीगेट करके स्टैटिक को पढ़ाऊं, अलग अलग टॉपिक पढ़ाऊं. तो सिंस यू ऑलरेडी हैव दैट क्लासेस, हिस्ट्री पॉलिटी इन सबकी क्लास आपके साथ ऑलरेडी होती है. स्टैटिक जीके हम लोग करंट बेस्ड पहले करेंगे और उसके बाद फिर अदर स्टैटिक एंड नियर अबाउट चीजें हम लोग साथ में करते रहेंगे. राइट, सो सब पढ़ के आएंगे. डू एटलीस्ट रिविजन. पढ़ के मतलब ऐसे नहीं याद करके आना, बट एक बार रिवाइज करके आना है. बाकी करंट के अंदर काफी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप सब लोग ज्वाइन करें उस सेशन में क्योंकि स्टैटिक जीके जो है वो करंट से जुड़ा हुआ बहुत आता है. अगर आप SSC के जितने भी एग्जामिनेशन देखोगे लास्ट लास्ट ईयर और इस ईयर, सब में स्टैटिक करंट से जुड़ा हुआ आया है. मोस्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट अफेयर्स. जो भी स्टैटिक जीके के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं करंट से जुड़े हुए आए हैं. सो ट्राई टू कीप इन माइंड ऑल द करंट, करंट के साथ जो भी हम स्टैटिक करते हैं और जो भी हम करने वाले हैं उन सब में भी ट्राई टू बी मोर अटेंटिव, मोर पार्टिसिपेटिव एंड ट्राई टू अटेंड लाइव. वो वाला सेशन लाइव लेना. ये वन लाइनर्स तो क्या है, आप लोग बाद में देख लें, फास्ट फॉरवर्ड करके आपको जैसे सही लगे दैट कंप्लीटली डिपेंड्स. लेकिन एमसीक्यू सेक्शन विल बी हेल्पफुल अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे. राइट, ऑल राइट. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा करंट. हमारा मार्च मंथ हमें आज कंप्लीट करना है बिकॉज कल से स्टैटिक है. तो वन लाइनर्स फॉर्म में है सारा. लेट्स ट्राई टू कवर एज मच एज वी कैन. पीडीएफ अगर आपको ग्रुप में अवेलेबल होती ही है. राइट, सो 2021 2020 21 इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड किसको दी गई थी, फर्स्ट क्वेश्चन. और दूसरा क्वेश्चन है ऑम्बड्समन मैकेनिज्म एडमिनिस्ट्रेशन. ये काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ऑम्बड्समन देखता है. तो ये काउंसिल पहले किस नाम से हुआ करता था, ये दो क्वेश्चन है. तो फर्स्ट वाला मुंबई सिटी फैन क्लब जो है ये इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीता.
और दूसरी चीज, काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ऑम्बड्समन जो है, ये पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योरर्स हुआ करता था। रीसेंट वाला डेवलपमेंट देखे तो IRDAI ने क्या किया है, जितने भी कोविड के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थे उन सब के लिए एक रेगुलेशन रिलीज किया है। क्या रेगुलेशन रिलीज किया है कि विद इन 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे के अंदर जो भी कोविड का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जो भी इंश्योरेंस लिया है, उसको कैश करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट मिलते ही 60 मिनट्स के अंदर कैश आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि काफी हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो नहीं लेते हैं, बिकॉज कैशिंग में बहुत टाइम लगता है। तो इस चीज के लिए IRDAI ने रिसेंटली एक रेगुलेशन रिलीज किया कि कोविड का 60 मिनट्स के अंदर क्लैरिफिकेशन हो जाना चाहिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट का। ठीक है, दूसरी IRDAI से जुड़ी हुई चीज, IRDAI ने और क्या किया है कि एक यूनिवर्सल कह सकते हैं, एक यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट शुरू किया है। यूनिफॉर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट कैसा है, वो हेल्थ इंश्योरेंस शुरू किया है। यूनिफॉर्म हेल्थ इंश्योरेंस मतलब कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी देगी, देना सभी इंश्योरेंस कंपनीज को है, और जो भी इंश्योरेंस कंपनी देगी उसके लिए सेम रेगुलेशंस है, सेम ड्यूरेशन, सेम रेगुलेशंस, एवरीथिंग इज सेम ऑन दैट। ठीक है, तो यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म रेगुलेशन के लिए एक प्रोडक्ट रिलीज किया है, और कोविड के टाइम पे 60 मिनट्स के अंदर क्लैरिफाई हो जाना चाहिए सारा चीजें, सारी अकाउंट्स क्लियर हो जाने चाहिए इंश्योरेंस के, ये रेगुलेशन आया है। ठीक है, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की, तो IRDAI का स्टैटिक जी के कौन बताएगा जल्दी से? IRDAI से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पीपल वगैरह एवरीथिंग, कौन है इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ IRDAI करंटली? IRDAI के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो वो है हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर हेडक्वार्टर्स हैं IRDAI के। और दूसरी चीज, चेयरपर्सन कौन है? सुभाष चंद्र कुंतिया। सुभाष चंद्र कुंतिया करंटली यहाँ पे चेयरपर्सन है। नेक्स्ट, फीमेल बैडमिंटन प्लेयर हु हैज क्लेम्ड वुमेन्स सिंगल टाइटल बाय एट युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021। तो फीमेल बैडमिंटन प्लेयर जिसे वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में, वो है मालविका बंसौद। एंड ये वाला तो क्वेश्चन सेम है, मालविका बंसौद को ने ये रिसेंटली फीमेल बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने जिनका टूर्नामेंट जीता है, और रिसेंटली साइना नेहवाल के ऊपर एक मूवी बनी है। क्या नेम है मूवी का? साइना नेहवाल की मूवी आई है रिसेंटली, अमेजोन प्राइम पे रिलीज हुई है, एंड ऑल ऑफ यू आर अपडेटेड अबाउट दैट आई नो। तो जल्दी से बताओ क्या नाम है साइना के नाम से ना। ये जो बायोपिक्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये बायोपिक्स का नाम याद रखना है। कभी कभी एग्जाम बहुत एंटरटेनिंग मूड में होता है, वैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थीम ऑफ नेशनल सेफ्टी डे, नेशनल सेफ्टी डे किस थीम से था? सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी के नाम से था। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अंदर टॉप किसने किया? MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अंदर टॉप किया है। ठीक है, तो ये टॉप करा है। और इंडिया की जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज्यादातर सब्जेक्टिव फॉर्म में आए थे, सब्जेक्टिव फॉर्म यानी पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर उन्होंने टॉप किया था। ओवरऑल टॉप में रैंक में टॉप के अंदर किसी में, टॉप 300 तक तो इंडियन इंस्टीट्यूट कोई सा भी नहीं था। उदयपुर साइंस सेंटर, नाम उदयपुर है लेकिन ये उदयपुर में नहीं लॉन्च हुआ है, ये एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हुआ है। कौन से स्टेट में? त्रिपुरा के अंदर। तो उदयपुर से राजस्थान में नहीं जाना है, उदयपुर साइंस रिसर्च सेंटर त्रिपुरा के अंदर ओपन हुआ है। टॉप सिटी इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, 2020 का जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसके अंदर मिलियन प्लस कैटेगरी के अंदर बेंगलुरु ने टॉप किया, वेयर एज लेस देन मिलियन, मिलियन से कम वाली पॉपुलेशन में शिमला ने टॉप किया था। ठीक है, तो लेस देन 1 मिलियन में शिमला था, मिलियन से ऊपर में बेंगलुरु था, राइट। और इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी अपनी रैंकिंग रिलीज करी थी, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या ने जो रैंकिंग रिलीज करी थी म्यूनिसिपैलिटीज की, उसके अंदर इंदौर ने टॉप किया था।
इंदौर वॉज द टॉप रैंक होल्डर इन दैट। ठीक है, तो म्यूनिसिपैलिटी का क्वेश्चन आ ही गया, मिलियन प्लस के अंदर इंदौर ने टॉप किया था, अभी अभी बताया ही है। इसके अलावा डिफेंस मटेरियल्स में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किसके साथ एग्रीमेंट हुआ? ब्रह्मोस मिसाइल के लिए हमारा एग्रीमेंट हुआ है रिसेंटली फिलीपींस के साथ। ठीक है, तो फिलीपींस इज द कंट्री जिसके साथ रिसेंटली हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए। चेयरपर्सन ऑफ आईबा वेटरन्स कमेटी, आईबा वेटरन्स कमेटी के चेयरपर्सन मैरीकॉम को अपॉइंट किया है मनप्रीत वोहरा। इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं कहाँ के लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली इंडिया को कोविड हेल्प भी प्रोवाइड करी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा हुआ है रिसेंटली। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ऑस्ट्रेलिया इज अ पार्ट ऑफ क्वाड कंट्रीज, क्वाड देशों का पार्ट है। ठीक है, एंड रिसेंट हेल्प तो उन्होंने प्रोवाइड करी है ही, दैट इज अ डेफिनेट थिंग। विच सिटी हैज इमर्ज्ड एज टॉप इन लेस देन मिलियन इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स? अभी अभी आप लोगों को बताया था शिमला। म्यूनिसिपैलिटी लेस देन मिलियन में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो मोर देन मिलियन में कौन था? मोर देन मिलियन या मिलियन प्लस के अंदर कौन था? वो था इंदौर। और लेस देन मिलियन के अंदर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। मोर देन मिलियन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर कौन था? मोर देन मिलियन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन था? अभी अभी बताया दो स्लाइड पहले, याद है? सुन रहे हो? बैंगलोर, बिल्कुल सही। बैंगलोर वॉज इन मिलियन प्लस, कीप आंसरिंग। मिलियन प्लस के अंदर बैंगलोर था। नेक्स्ट, विच म्यूनिसिपैलिटी हैज स्टॉप्ड म्यूनिसिपल, वी हैव सीन दिस वन, इंडिया स्वीडन वर्चुअल समिट हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन? स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नाउ स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर है स्टीफन लोफन। और हाल ही में इंडिया स्वीडन का जो एग्रीमेंट है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी जुड़ गया है। इंडिया और स्वीडन का टारगेट कौन से ईयर को लेकर है? 2030 को लेकर के इंडिया का एजेंडा है, इंडिया स्वीडन का एजेंडा है 2030 को लेकर के इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इसी वर्चुअल समिट में ये एजेंडा एक्सेप्ट हुआ था और इसी एजेंडा के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी जुड़ गया है। ठीक है, और करंटली इंडिया का जो 2022 का टारगेट है वो इंपॉर्टेंट है। 2022 का इंडिया का टारगेट कितना है? 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी कितनी जनरेट करना चाहता है इंडिया? 175 गीगावाट, जिसमें से 100 गीगावाट तो सोलर एनर्जी ही चाहता है। 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी एंड बाकी डिस्ट्रीब्यूटेड है इन मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड एनर्जी एंड वाटर इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बायो ऑयल वगैरह, बायोफ्यूल वगैरह, इन सब के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 2022 का टारगेट है हमारा इसको लेकर के, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। ठीक है, फिर DRDO ने हाल ही में SFDR का टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट किया था। SFDR क्या है? SFDR stands for Solid Fuel Ducted Ramjet। इंडिया ने दो मेडल जीते ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन 2021 के अंदर। तो ये किसके साथ हुआ था? इजिप्ट के साथ ये ऑर्गेनाइज हुआ था शॉटगन वर्ल्ड कप शॉटगन 2021 किसके साथ हुआ था? इजिप्ट के साथ हुआ था। चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली क्लास में बताया था चाबहार डे हुआ था। चाबहार डे कब ऑब्जर्व हुआ था? चाबहार पोर्ट कौन से कंट्री का है ये आप ही लोग बताएंगे, जल्दी से आंसर करना है। चाबहार पोर्ट कौन से देश का है? किस दिन चाबहार पोर्ट डे ऑब्जर्व किया गया? और तीन देशों के बीच में ये ट्रायलैटरल अग्रीमेंट है जिसके अंदर इंडिया काफी हेल्प भेज भी रहा है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। तो चाबहार पोर्ट के बारे में एक चीज और जो आप बताएंगे वो है कि वाटर बॉडी कौन सा है। सबने कंट्री वगैरह तो सब लोग देखते हैं, चाबहार पोर्ट कौन से वाटर बॉडी पे लोकेटेड है? कौन से वाटर बॉडी पे लोकेटेड है? अंकित हैज गिवन एन आंसर ट्रायलैटरल अग्रीमेंट को लेकर। जल्दी से तीनों आंसर बताने, जल्दी से आंसर करो। चाबहार पोर्ट से ज्यादा फेमस तो कोई पोर्ट है भी नहीं अभी रिसेंटली। ऑल राइट, विल बी स्टार्टिंग विद
कंट्री चाबहार पोर्ट लोकेटेड कहाँ पर है? गल्फ ऑफ ईरान, गल्फ ऑफ उमान ईरान में, बिल्कुल सही, ईरान के अंदर लोकेटेड है। और वाटर बॉडी की अगर बात करें तो वाटर बॉडी है गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है। इसके अंदर दो पोर्ट है जिनमें से एक पोर्ट का भी कंस्ट्रक्शन इंडिया करवा रहा है, काफी चीजें भेजी भी है इंडिया ने वहां के लिए। सो दो पोर्ट कौन से हैं? शहीद कालंतरी और शहीद बेहेश्ती। एक तो है शहीद बेहेश्ती और एक है शहीद कालंतरी। ये दोनों चाबहार पोर्ट के सेपरेट पोर्ट्स हैं, ठीक है। और कितने देशों के बीच में है? तीन देशों के बीच में, अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन रहता है डे को लेकर, किसी को याद है? डे पिछली क्लास में बताया भी था, दो तीन बार बता चुकी हूँ। ये कब था? 4 मार्च को था ये डे, जब मैरीटाइम समिट कंक्लूड हुआ था इंडिया का, उस टाइम पे था, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑल राइट, बिगिनिंग ऑन द सेक्शन नाउ। इसके अलावा क्या है? सेंटर ने 259 मेंबर की हाई लेवल नेशनल कमेटी तैयार करी है जो सारे पॉलिसीज बना रहा है 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो चेयरपर्सन है इस कमेटी के, ठीक है। और इस 259 मेंबर्स में कौन कौन है? हेड ऑफ स्टेट्स है और काफी सारे आर्टिस्ट, आर्टिस्ट बीइंग सिंगर्स एंड क्रिकेटर्स एंड प्लेयर्स, स्पोर्ट्स पर्सन जो भी हैं, तो जो भी मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टेट लेवल पे जितने भी चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर हैं वो सब इसका मेंबर है। और 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया ऑब्जर्व कर रहा है, किस नाम से ऑब्जर्व कर रहा है? व्हाट इज द सेलिब्रेशन कॉल्ड? मई नहीं बच्चा, मार्च, राशि मई में नहीं, मार्च में हुआ था, डे मार्च में हुआ था। चलो जल्दी से बता दो, किस नाम से सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? शुरू हो गया है, 75 वीक्स में सेलिब्रेट करेंगे। रिसेंटली हम लोगों ने जो डांडी मार्च थी, डांडी मार्च को दोबारा से जीवित किया था। वी हैड एनेक्टेड डांडी मार्च, पूरा वो मार्च कंडक्ट किया गया था जिसमें सिक्किम के असम के चीफ मिनिस्टर थे, ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। तो आंसर्स क्या है? नरेंद्र मोदी जी इसकी हेड है। नेक्स्ट, रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली? ही है तरुण बजाज अपॉइंट हुए हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी। एंड इंडियन ओरिजिन फाइनेंशियल सर्विसेज वेटरन जिन्हें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक अपॉइंट किया, वो कौन है? नौरीन हसन। नौरीन हसन पहले वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं फेडरल रिजर्व बैंक के, जो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन करंटली इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। फिर नई दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था, एक बुक फेयर हुआ था जो त्रिपुरा के अंदर हुआ था, त्रिपुरा के अंदर हुआ था इंटरनेशनल बुक फेयर, जिसके अंदर फोकस कंट्री या पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन था? बांग्लादेश था, लास्ट टाइम लास्ट क्लास में बताया था। अब नई दिल्ली के अंदर भी एक वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था, इसका थीम क्या था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड ये शुरू किया। नेक्स्ट है एम जी जॉर्ज, जो इंडियन एंटरप्रेन्योर है, ही पास्ड अवे रिसेंटली। ये मुथूट ग्रुप, बहुत एड देखा होगा, उनके चेयरपर्सन थे रिसेंटली। देन बिजनेस किश्त सुरक्षा, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट हाल ही में शुरू हुआ था। इसके लिए जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको अगर कोई भी ऐसे कैटेस्ट्रॉफ, ड्रॉट, सुनामी, ऐसा कुछ भी आता है, नेचुरल डिजास्टर आता है, तो उसमें उस ड्यूरेशन में उनकी बैलेंस शीट पे कोई इम्पैक्ट हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेस किश्त सुरक्षा शुरू किया। और ये किसने किया था? HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने, ठीक है। फिर इंडियन इकोनॉमिस्ट जिन्हें सेक्रेटरी जनरल एंड हेड अपॉइंट किया है न्यूयॉर्क ऑफिस का, यूनेप के अंदर, यूनेप के न्यूयॉर्क ऑफिस के सेक्रेटरी जनरल किस इंडियन इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट किया है? लिगिया नोरहन, शी इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड करंटली असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ यूनेप न्यूयॉर्क ऑफिस। देन
एक ऑनलाइन टूल है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट एक्सेस देता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जिससे कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स और सेकेंडरी मार्केट में वो इजिली खरीद सके बेच सके। तो ये ईल्ड प्रोडक्ट किसका है? एक्सेस सिक्योरिटीज। एक्सेस सिक्योरिटीज ने इसे शुरू किया है। ऐसे ही रिसेंटली कॉन्टेक्टलेस बैंकिंग शुरू की गई है। कॉन्टेक्टलेस बैंकिंग जो शुरू की है वो किसने शुरू करी? आईसीआईसीआई ने शुरू करी। आईसीआईसीआई ने कॉन्टेक्टलेस बैंकिंग हाल ही में शुरू करी। मर्चेंट स्टैक एक शुरू किया है, वो भी आईसीआईसीआई ने शुरू किया है। और एक्सेस सिक्योरिटीज ने ईल्ड नाम से शुरू किया है, राइट? देन ईपीएफओ किसके कंट्रोल के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है ईपीएफओ। नाउ यहाँ पे एक चीज और जो यू नो यू ऑल शुड हैव अ लुक एट, इसकी एक नया कार्ड रिलीज हुआ है। कार्ड कैसा रिलीज हुआ है? ऐसा कार्ड रिलीज हुआ है जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग भी हो सकती है। तो मास्टर कार्ड ने पार्टनरशिप करी है जेमिनी के साथ। जेमिनी जोडियाक साइन वाला नहीं है, जेमिनी एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जेमिनी एंड वेब बैंक। तो जेमिनी और वेब बैंक के साथ मास्टर कार्ड ने पार्टनरशिप करी है रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंट न्यूज है ये। तो इन्होंने एक पहली तरीके का क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड शुरू किया, जिसके ऊपर ना कार्ड अगर देखेंगे कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड जिसमें कार्ड का नंबर भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है? सिर्फ वो जो चिप होती है ईएमवी चिप, वो ईएमवी चिप प्रेजेंट है और जेमिनी लिखा हुआ है उस पे, अदरवाइज कोई कार्ड नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, तो उसमें नंबर कैसे आएगा? ब्यूटीफुल का क्या करें, नंबर ही नहीं पता। तो नंबर के लिए क्या है, जेमिनी वेब का मोबाइल ऐप या जेमिनी वेब पोर्टल पे वो कार्ड एक्सेस किया जा सकता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू, और इसके अंदर 3% तक का कमाई हो सकती है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर क्लाइंट्स की यूजिंग दिस कार्ड, ठीक है? तो ये रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। जेमिनी कहाँ पे बेस्ड है ये भी याद रखना है। जेमिनी कहाँ पे बेस्ड है? ये है न्यूयॉर्क बेस्ड, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है, और मास्टर कार्ड भी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है, ठीक है? मास्टर कार्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन है? एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है अजय बांगा जी। अजय बांगा जी इज द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव, राइट? नाउ इंडियन नेवल शिप, दो इंडियन नेवल शिप की बात हो रही है और अभी 7 इंडियन नेवल शिप की मैं बात करूंगी। जल्दी से ये बता दो, चलो 7 इंडियन नेवल शिप का तो आप लोग बता सकते हैं। रिसेंटली ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड वर्जन शुरू हुआ है, ठीक है? इसके अंदर 7 इंडियन नेवल शिप डिप्लॉय किए गए। एनी वन हु कैन नेम देम? और दूसरी चीज, समुद्र सेतु सेकंड ऑपरेशन शुरू हुआ है तो फर्स्ट ऑपरेशन कब था? ये आज के ही करंट अफेयर्स में मैंने कराया है, एंड इफ यू ऑल आर फॉलोइंग द पीडीएफ यू ऑल मस्ट बी अवेयर, आज कल दोनों दिन कराया हुआ है। तो समुद्र सेतु के बारे में जल्दी से, समुद्र सेतु सेकंड ऑपरेशन कब का है और जिसमें 7 नेवल शिप है उनका नाम। इंडियन नेवल शिप INS सुमेधा और कुलिश, इनके बारे में बात करते हैं। INS सुमेधा और INS कुलिश ये मोंगला विजिट पे गए थे। मोंगला इज अ सिटी इन बांग्लादेश, ये कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर है। तो एज आई टोल्ड यू, काफी टाइम बाद, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस कभी इंडियन नेवल शिप यहाँ पे गया ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इंडिया कभी नहीं विजिट पे गया। सिंस बांग्लादेश की इस बार 50th एनिवर्सरी है, इस वजह से वी हैड विजिटेड दिस प्लेस। कोविड 19 में कौन से ईयर में हुआ था? देखो, ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 की अगर बात करें, वो हुआ था 2020 के अंदर मई में। क्यों हुआ था? जो हमारे इंडियंस बाहर फंस गए थे, दोज हु वर स्टक आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग कोविड 19 2020 में, उनको लाने के लिए ये शुरू किया गया था, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज कि अब ये समुद्र सेतु 2 जो शुरू किया गया है हाल ही में, ये कहां पर शुरू किया गया और किस पर्पस से? इसका पर्पस है कि बाहर से इंडिया के अंदर ऑक्सीजन लेके आनी, ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, और हमारे जो सप्लायर्स हैं कोविड 19 फाइट करने के लिए, उसके लेके आने के लिए ये नेवल शिप डिप्लॉय किया गया है। तो उसमें 2 बैच तैयार किए हैं, 7 नेवल शिप में से कोलकाता और तलवार, ना ये याद रखना है थोड़ा सा, उनकी इंपॉर्टेंट है। INS कोलकाता, INS तलवार, ये दोनों तो डिप्लॉय किए गए हैं पर्शियन गल्फ में,
गल्फ के अंदर, ठीक है। फिर आता है जो मनामा बहरीन की तरफ है, फिर आता है जलश्वा। जलश्वा तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो हमारा मेडागास्कर में हेल्प लेके गया था। तो जलश्वा जो है वो बैंकॉक थाईलैंड के लिए है। फिर एरावत, एरावत आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारा मिशन सागर के अंदर इम्पोर्टेंट था, मिशन सागर के अंदर था, और अब समुद्र सेतु सेकंड वाले के अंदर भी है। तो INS एरावत सिंगापुर के लिए, ये चारों फर्स्ट बैच के लिए हैं। ये दो चारों कौन से हैं? बैच 1 के अंदर। बैच 2 के अंदर INS कोची, त्रिकंड और तपर है। कोची, त्रिकंड और तपर, ये तीन कौन से हैं? बैच 2 के अंदर। और ये दोनों का पर्पस क्या है? ऑक्सीजन लेके आना है बाहर से इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया को ऑक्सीजन की जरूरत है। जन औषधि डे कब होता है? जन औषधि दिवस होता है 7 मार्च को। यस, बिल्कुल, इंडियन लोगों के लिए था, और अब इंडियन लोगों के लिए ऑक्सीजन लाने के लिए है। नेक्स्ट इज इंडियन बॉक्सर, जिन्होंने एकमात्र इंडियन बॉक्सर जिन्होंने 2021 बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो स्पेन में हुआ था, इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता। तो पहली बात, बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे था? स्पेन में हुआ था। दूसरी चीज, गोल्ड मेडल कौन जीता इसके अंदर? द ओनली इंडियन वॉज मनीष कौशिक, ठीक है। फिर सेबी ने हाल ही में सर्टिफिकेट कैंसिल किया सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। क्यों? क्योंकि इसने जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, जो रेगुलेशंस है, वो फॉलो नहीं करे हैं। ये कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है? यूपी स्टेट में रजिस्टर्ड है ये सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाउ, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क पहली बार लॉन्च किया गया है, और ये कौन से शहर के अंदर लॉन्च किया गया है? हैदराबाद के अंदर। सबसे पहला ट्रांसजेंडर का जो फैशन शो था, फैशन शो आई थिंक 2019 के अंदर शुरू किया था, एंड दैट वाज केरला। तो फर्स्ट फैशन शो ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वाज इन केरला, और ट्रांसजेंडर का पहला कम्युनिटी डेस्क, वर्ल्ड का पहला कम्युनिटी डेस्क है ट्रांसजेंडर का, जो हैदराबाद के अंदर सेटअप किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैड एड्रेस्ड द टेक भारत 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो ये कौन सा एडिशन था? सेकंड एडिशन था टेक भारत का, ठीक है। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद जी रेड फाउंडेशन स्टोन फॉर सिंगौरगढ़ फोर्ट। सिंगौरगढ़ फोर्ट का कंजर्वेशन वर्क शुरू हुआ है, तो ये कौन से स्टेट के अंदर है? ये है एमपी के अंदर। और उसी स्टेट के अंदर रिसेंटली कोरोना वॉरियर्स स्कीम शुरू की गई है। कोरोना वॉरियर्स के अंदर क्या किया गया? जो भी ऐसे लोग हैं कोरोना के लड़ते हुए मरे हैं, ऑन ड्यूटी मरे हैं, डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिस पर्सनल्स हो, जर्नलिस्ट्स हो, सर्विंग द पीपल, ऑन ड्यूटी अगर मरे हैं, तो उनको गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प उनकी फैमिली, ठीक है, जो मरे हैं उनके लिए। साथ ही साथ एमपी ने एक और चीज शुरू करी थी रिसेंटली, कुछ 60 लाख, अप्रोक्सीमेटली 60 लाख रुपए डायरेक्ट, 60 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये किस लिए किया है? टू प्रोवाइड देम द बेसिक हेल्थ, ठीक है। दूसरी चीज, NSL के नाम से जिसे पॉपुलरली जाना जाता है, तो NS लक्ष्मी नारायण भट्ट, ये पास्ड अवे रिसेंटली। तो ये किस लैंग्वेज के थे? कन्नड़ लैंग्वेज में पोएट थे, ठीक है। देन पीएम मोदी रिसेंटली डेडिकेटेड टू द नेशन 7500th जन औषधि केंद्र। तो ये जनऔषधि केंद्र कहाँ पर बनाया गया था? इट वॉज मेड इन शिलोंग, शिलोंग में बनाया गया था। दूसरा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे का इस बार थीम क्या था, और ये कब होता है? 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। यहाँ पे जल्दी से आंसर करो, नेशनल वुमेन्स डे कब होता है? व्हेन इज नेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व? इस बार का इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम क्या था? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड, ये इस बार का थीम था। राइट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, अ
61 लाख करोड़ नहीं, 60 वो 60 लाख करोड़ नहीं, 60 करोड़ है. हाँ, 60 करोड़. आई वाज जस्ट कंफ्यूज कि लाख करोड़ कैसे हो गया, हाउ कम आई रिमेम्बर दैट. ऑल राइट, इसका ये लाख नहीं है, 60 करोड़ है. 61 करोड़, 61 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया है कितनों को, 6.1 लाख वर्कर्स को. 6.1 लाख वर्कर्स है और उनको 61 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया है. ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन रिवर्स. 6.1 लाख वर्कर्स को 61 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करे हैं रिसेंटली डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू. ऑल राइट, नाउ 13th February नेशनल वुमेन्स डे. बिल्कुल सही, नेशनल वुमेन्स डे होता है February 13th को. 13th February नेशनल वुमेन्स डे किस लिए होता है, सरोजनी नायडू जी का बर्थ एनिवर्सरी है इसीलिए उस दिन ऑब्जर्व होता है नेशनल वुमेन्स डे. नाउ जन औषधि दिवस का थीम क्या था इस बार, सेवा भी रोजगार भी. जन औषधि सेवा भी रोजगार भी, ये इस बार का थीम था. और इसी दिन जन औषधि दिवस के अंदर ही अभी हमने जो देखा था 7500th जन औषधि केंद्र जो इनॉग्रेट हुआ था वो इसी दिन इनॉग्रेट किया गया था. श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली मैत्री सेतु ब्रिज इनॉग्रेट किया था. ये किस देश के साथ कनेक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, बांग्लादेश के साथ. इंडिया में कौन सा पार्ट कनेक्ट होगा इसके थ्रू, त्रिपुरा कनेक्ट होगा. इस ब्रिज को कौन से वाटर बॉडी पे बनाया जा रहा है, अगर वाटर बॉडी की बात करते हैं दैट इज फेनी ब्रिज, फेनी रिवर, फेनी नदी के ऊपर, फेनी नदी के ऊपर इसे बनाया जा रहा है त्रिपुरा को बांग्लादेश से कनेक्ट करने के लिए. और पर्पस क्या है, त्रिपुरा को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बनाना है एंड कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ. तो इसके लिए फेनी नदी के ऊपर मैत्री सेतु ब्रिज को हाल ही में तैयार किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट एक है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रायम्फ. स्मृति ईरानी जी की जो कहानी है, जीत की कहानी, इन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, चलो ये कौन सी जीत की बात हो रही है इसके, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें शी हैड दैट हिस्टोरिक विन. कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें इनका हिस्टोरिक विन रहा था, अमेठी. बिल्कुल सही, दैट वॉज क्योंकि वहां पे जो कंपीटिंग था या इनके अगेंस्ट, दैट वॉज राहुल गांधी जी, तो उनके अगेंस्ट शी हैड वॉन. तो उसी की कहानी अनंत विजय जी ने लिखी है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी. क्योंकि डायनेस्टी कौन सी, कांग्रेस पार्टी के अंदर डायनेस्टी सिस्टम चलता है. डायनेस्टी सिस्टम इन द सेंस हायरार्किकल सिस्टम, वो फैमिली, पूरा फैमिली पार्टी बना हुआ है अभी. तो उधर से डेमोक्रेसी, क्योंकि देट वॉज समवन हु इज नॉन कांग्रेसमैन और वो जीता. ठीक है, एंड सो इसलिए ये अनंत विजय जी की बुक है. फूड वेस्ट रिपोर्ट इंडेक्स हाल ही में रिलीज किया गया था कि कितना यू नो वेस्ट किया जाता, हाउ मच वेस्ट इज देयर एट हाउस होल्ड, फूड सर्विसेज, रिटेल. ये पूरा रिपोर्ट किसने जारी किया था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट हाल ही में रिलीज किया था. और एक होता है फूड प्राइस इंडेक्स. ठीक है, दो आते हैं, एक होता है फूड प्राइस इंडेक्स. फूड प्राइस इंडेक्स जो है ये मंथली आता है. फूड प्राइस इंडेक्स मंथली आता है कि कितना इन्फ्लेशन हो रहा है फूड प्रोडक्ट्स के अंदर. वो कौन लेता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड FAO, ये दोनों मिलके ऑर्गेनाइज कर, ये रिलीज करते हैं फूड प्राइस इंडेक्स. और फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जो है ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है. ठीक है, दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करते हैं. पीवी सिंधु, शी रिसेंटली लॉस्ट इन स्विस ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल. तो ये इन्हें सिल्वर मेडल मिला, तो गोल्ड किसे मिला, कैरोलिना मरीन वॉज द विनर ऑफ गोल्ड इन दिस स्विस ओपन वुमेन्स सिंगल फाइनल्स. द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल, इस बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन आया. तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा किसकी है, खान अबुल गफर खान की बुक थी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल के नाम से. फिर आता है स्मार्टअप उन्नति. स्मार्टअप उन्नति विमेन्स डे पे लॉन्च किया गया था विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए. तो कौन से बैंक ने किया था, HDFC बैंक ने. HDFC बैंक ने स्मार्टअप उन्नति शुरू किया. क्यों किया, ये ऑलरेडी पहले से लॉन्च हो रखा था, नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड दोबारा से इसे फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स, इसे शुरू कर दिया गया.
मोहम्मदो इसोफू, ही इज द विनर ऑफ 2020 इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप। तो ये किस देश के प्रेसिडेंट हैं? नाइजर के प्रेसिडेंट हैं 2020 के इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप। यहाँ पे एक तो अवार्ड सेक्शन से पूछ सकते हैं कि 2020 का ये इब्राहिम अवार्ड किसे दिया गया, और दूसरा पूछ सकते हैं कि नाइजर के करंट प्रेसिडेंट कौन है। They will not even give you the reference and they'll simply ask कि president of Niger कौन है। देखने में static जी के लगेगा। It is a current one, somewhere linked to current. All right, then chief minister of Uttarakhand, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिन्होंने replace किया, वो कौन है? तीरथ सिंह रावत। Then MOU हाल ही में साइन हुआ इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनर स्टेशन के लिए। तो इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनर स्टेशन तैयार किया जा रहा है, इसके लिए लूनर स्पेस स्टेशन के लिए किस देश के साथ एमओयू साइन हुआ है? रशिया और चाइना ने आपस में इसे साइन किया है, और ये दोनों देश अपना अलग अलग स्पेस स्टेशन भी बना रहे हैं, याद रखना। दोनों अपना अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। चाइना रिसेंटली प्रोब रिलीज किया टियांफू के नाम से है स्पेस स्टेशन। रशिया का जो है वो 2025 का टारगेट लेके है कि 2025 में वो अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च कर लेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो करंटली है, अभी अभी प्रेजेंट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो 1999 का बना हुआ है और अब थोड़ा सा पुराना भी होने लगा है। ये किसके साथ बनाया था? ये यूएसए ने सोवियत यूनियन के साथ मिलके, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान और चाइना इनके साथ मिलके, साथ में मिलके तैयार किया था आईएसएस, जो 1999 में बना था। और अब चाइना और रशिया अपना अपना खुद का स्पेस स्टेशन शुरू कर रहे हैं। नाउ चेयरमैन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन 2021 में एक्सटर्नल ऑडिटर्स के चेयरपर्सन इंडिया के ऑडिटर जनरल, चीफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या CAG ऑफ इंडिया, वही चेयरपर्सन बन गए हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स के लिए भी, ठीक है। और OPCWK की चेयरपर्सन 3 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। श्रीकांत मोघे ही पास्ड अवे रिसेंटली, थिएटर एंड फिल्म के साथ एसोसिएटेड थे। कौन सी इंडस्ट्री से जुड़े थे? मराठी फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, राइट। स्पेन, कैरोलिना मरीन स्पेन की है, दैट्स राइट। त्रिपुरा राम्या स्टूडेंट, इज दैट योर नेम? आई आई थॉट आई रेड रॉन्ग, एक बार के लिए मुझे लगा मैंने नाम गलत पढ़ा। INS करंज इज थर्ड इन सीरीज ऑफ 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन। स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन की 6 स्कॉर्पिन सबमरीन क्लास है, उनमें से थर्ड जो है वो INS करंज है, जिसे हाल ही में कमीशन किया गया। तो ये किसने तैयार किया? मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स। और मैजागन शिप बिल्डर्स कहाँ पर है? डॉक शिप बिल्डर्स ये वाले कहाँ पर है? गोवा के अंदर है। गोवा के मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स ने इसे तैयार किया है INS करंज को, जो 6 स्कॉर्पिन क्लास में से 3rd स्कॉर्पिन क्लास है। टैमी बुमो हैज बीन अपॉइंटेड एज आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फेब्रुवरी। देखो ये चीज याद रखनी है, प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल का अभी आएगा वो भी याद रखना है। तो जनवरी 2021 के अंदर ही ये पूरा जो सिलसिला है प्लेयर ऑफ द मंथ का आईसीसी ने शुरू किया था, ठीक है। जनवरी में शुरू किया था, फिर फेब्रुवरी के लिए भी बने, मार्च के लिए भी बने, ठीक है। नाउ क्विकली ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेम्बर दैट, सबको याद होगा ये तो, क्रिकेट फैंस तो यहाँ पे वैसे भी बहुत हैं। तो जल्दी से 3 महीने के बता दो, जनवरी, फरवरी, मार्च, प्लेयर ऑफ द मंथ एंड विमेन्स में भी मेंस में भी। कौन है मेंस में, कौन है विमेन्स में? यहाँ पे फरवरी के लिए तो आई हैव ऑलरेडी गिवन टैमी बिमो है, के अलावा डस्टलिक टू एक्सरसाइज हमारी किसके साथ है? उज्बेकिस्तान के साथ हमारी एक्सरसाइज है, जो 2019 में शुरू हुई थी, लेकिन ये एनुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये बाय एनुअल एक्सरसाइज है, यानी 2 साल में एक बार होती है ये एक्सरसाइज। इस वजह से अभी सेकेंड वर्जन ही कंडक्ट हुआ है, फर्स्ट वर्जन 2019 में हुआ था जब SCO की मीटिंग हुई थी उज्बेकिस्तान के अंदर, ठीक है। Now over here,
एक चीज और जो याद रखनी है कि ये हुई कहाँ पे थी, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। तो डस्ट लेक टू हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट हुई थी और उज्बेकिस्तान के साथ हमारी ये कंडक्ट होती है। ठीक है, पिछली बार उज्बेकिस्तान यानी फर्स्ट वर्जन जो है वो उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ था एंड सेकेंड वर्जन जो है वो इंडिया के अंदर ही हुआ है। राइट, ऑल राइट, सो आई कॉल यू राम्या, दैट विल बी बेटर फॉर मी। ऑल राइट, चलिए तो अभी यहाँ पे किसी ने आंसर नहीं किया है प्लेयर ऑफ द मंथ का। क्विकली रिकॉल यार, प्लेयर ऑफ द मंथ तो मतलब ऐसा होना चाहिए, आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू वुड रिमेम्बर दैट। प्लेयर ऑफ द मंथ कोई भूलता ही नहीं है। ऑल राइट, इफ वी टॉक अबाउट मेंस, चलो लेट्स स्टार्ट विद मेंस नाउ। फर्स्ट मेंस की बात करें, 2021 में ही शुरू हुआ है, तो मेंस में सबसे पहले जनवरी के अंदर कौन था? जनवरी फर्स्ट एडिशन था, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभ पंत, ऋषभ पंत जो है वो जनवरी के लिए थे। फेब्रुवरी के लिए कौन था? आर अश्विन। और मार्च के लिए कौन था? दैट वाज भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार मार्च के लिए थे, फेब्रुवरी के लिए आर अश्विन, जनवरी के लिए ऋषभ पंत, इन टर्म्स फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी। और इसके बाद विमेन्स, अगर विमेन्स की बात करें तो जनवरी के अंदर थी शबनम इस्माइल। शबनम इस्माइल जो थी वो जनवरी के लिए थी। फेब्रुवरी के लिए टैमी बिमो थी। एंड इफ वी गो फॉर मार्च मंथ, मार्च मंथ के लिए कौन थी? दैट वाज लेजली ली। लेजली ली जो है ये मार्च मंथ के लिए थी। राइट, क्लियर ऑन दैट? इस्माइल फॉर जनवरी, टैमी फॉर फेब, लेजली फॉर मार्च, राम्या बिल्कुल सही, आर अश्विन, ऋषभ पंत। ऑल राइट, वी हैव आंसर्स, थैंक गॉड। आई थॉट यहाँ पे सब सो रहे हैं। ऑल राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच कंपनी हैज रिसेंटली अक्वायर्ड 26% स्टेक इन इंडियन गैस एक्सचेंज? इंडियन गैस एक्सचेंज में 26% का शेयर होल्डर कौन बना है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये अब दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है इंडियन गैस एक्सचेंज के अंदर विद अ होल्डिंग ऑफ 26%। ठीक है, और कौन सा इंडियन सेलिब्रिटी है जिसे FIAF अवार्ड दिया गया 2021 के लिए बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स? दैट इज अमिताभ बच्चन जी। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अमिताभ बच्चन जी को FIAF, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स, उनकी तरफ से 2021 में अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो 26% नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडियन गैस एक्सचेंज के अंदर है और अमिताभ बच्चन जी को FIAF अवार्ड दिया गया इन द कैटेगरी ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट। किरण बेदी जी को बेटन ऑफ ऑनर दिया गया था, तो कौन से स्टेट की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी? ये कल कल तो क्लास नहीं हुई थी, परसों क्लास थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हु इज इट, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। और इनके जाने के बाद अब टर्म किसको दिया गया है? तेलंगाना के गवर्नर को एडिशनल टर्म दे दिया पुडुचेरी का। अनुराग ठाकुर फर्स्ट बीजेपी एमपी हैं जो टेरिटोरियल आर्मी के कैप्टन बने। तो कौन से स्टेट के एमपी हैं वो, सॉरी कौन से स्टेट के, हाँ कौन से स्टेट के एमपी है? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के एमपी है अनुराग ठाकुर, पहले बीजेपी एमपी है जो टेरिटोरियल आर्मी के कैप्टन के फॉर्म में अपॉइंट हुए हैं, रिसेंटली एलिवेट हुए हैं। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर्स के अंदर कौन सी इंडियन सेलिब्रिटी है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर देयर इज ओनली वन सेलिब्रिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रॉम इंडिया, दैट इज दीपिका पादुकोण, एंड शी इज द वन जो यंग ग्लोबल लीडर्स के 2021 फोरम के अंदर गई थी। एंड शी वॉज इन टू फेम एंड शी इज इन टू ऑल ऑफ दिस आफ्टर हर डिस्क्लोजर टुवर्ड्स डिप्रेशन एंड सिंस शी रेजेस वॉइस अगेंस्ट डिप्रेशन।
देन न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुआ है? दैट इज जीपी समानता. जीपी समानता को अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन, एंड शी इज आई थिंक फर्स्ट फीमेल जिसे अपॉइंट किया गया है चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया के तौर पे. अमित बकायो रिसेंटली पास्ड अवे, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? आइवरी कोस्ट के. देन इमरान अमीन सिद्दीकी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया इंडियन बैंक का. इंडियन बैंक ने रिसेंटली अग्रीमेंट किया बीएसएनएल के साथ, किसके लिए या क्यों किया? कि उनको बीएसएनएल से जो सर्विसेज मिलती हैं वो बहुत यू नो आसान रेट्स पे अवेलेबल हो जाए. दैट इज द रीजन व्हाई दिस टाई अप हैज हैपेंड. इंडियन एडिशन सेकेंड एडिशन ऑफ डस्टलिक 2 ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुआ. ये कहां पर हुआ आप लोगों को बताया था, हिमाचल प्रदेश में रानीखेत के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था. इंडियन गैस एक्सचेंज में अभी हमने देखा था सेकेंड हाईएस्ट स्टेक जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लिया है. नो वन आस्क की हाईएस्ट स्टेक किसका है, राइट? किसी ने नहीं पूछा कि हाईएस्ट स्टेक किसका है. हाईएस्ट स्टेक वॉज ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का हाईएस्ट परसेंटेज है और सेकेंड हाईएस्ट 26% नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने होल्ड करके रखा हुआ है. वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर अभी जापान ने ऑपरेशनल किया है और यूके अभी बनाने वाला है. यूके ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है, उसके लिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का सहारा लेने वाले, यानी माइक्रोसॉफ्ट इज द कंपनी जो इसमें हेल्प करने वाली है. यूके का सुपर कंप्यूटर जो मेट्रोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर है ये यूके बनाने वाला है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टिल 2035 आई थिंक अराउंड 2025 के approximately बन जाएगा. And अगर हम बात करें वर्ल्ड की अभी सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर की, तो फुगाकू नाम का सुपर कंप्यूटर है जो जापान ने डेवलप किया है, हाल ही में ऑपरेशनल हो गया और इसके ऑपरेशनल होते ही सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर बन गया है. वर्ल्ड किडनी डे कब होता है? सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च. डेट पे नहीं जाना है, सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च ऑलवेज. जो आपने अपना डेज एंड डेट का कैलेंडर बनाया है उसमें लिख दो सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च वर्ल्ड किडनी डे होता है. किडनी ट्रैफिकिंग का इस बार तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ किडनी दैट इज हैपनिंग अराउंड कोविड पेशेंट्स रिसेंटली. बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग, ब्लैक मार्केटिंग बहुत चल रही है किडनी की राइट नाउ. RH-560 साउंडिंग रॉकेट है. ये साउंडिंग रॉकेट इसरो के किस सीरीज का है? रोहिणी सीरीज का है. फर्स्ट क्वाड लीडरशिप मीटिंग, क्वाड की ना मीटिंग बहुत हुई है लेकिन ज्यादातर कौन सी मीटिंग हुई है? फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है. ज्यादातर फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है. क्वाड की पहली बार लीडर्स वर्चुअल समिट हुई थी और राइट दिस क्वेश्चन वुड नॉट दिस ये ऑप्शन के साथ आता तो डेफिनेटली चाइना या कुछ भी आंसर कर सकते हो. क्वाड के अंदर टोटल 4 मेंबर है, देर आर टोटल ऑफ 4 मेंबर्स, देम बींग इंडिया, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया. ये 4 देश हैं जो क्वाड के मेंबर है. इंडिया क्वाड के तीनों मेंबर्स के साथ, यानी सिंस इंडिया इज आल्सो पार्ट, तो इंडिया क्वाड के तीनों मेंबर्स के साथ 2+2 डायलॉग कंडक्ट करता है फॉरेन लेवल पे, मिनिस्ट्रियल लेवल पे, डिफेंस में और फॉरेन में दोनों के अंदर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है 2+2 सिर्फ क्वाड देशों के साथ. लेकिन द वन एंड ओनली द फर्स्ट नॉन क्वाड मेंबर जिसके साथ हम लोगों का 2+2 डायलॉग है वो कौन सा है? रशिया. रशिया के साथ हमारा रिसेंटली 2+2 डायलॉग का अग्रीमेंट हुआ है. रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अग्री किया है. तो द ओनली नॉन क्वाड कंट्री जिसके साथ इंडिया का 2+2 डायलॉग है वो कौन सा है? रशिया है. अदरवाइज बाकी 3 जो देश हैं, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के साथ हमारा 2+2 डायलॉग चलता है. ठीक है, वंडरफुल. रामया थीम है, रामया ने थीम में बताया किडनी डिजीजेस का, लिविंग वेल विद किडनी डिजीजेस, बिल्कुल सही. तो 2+2 डायलॉग का याद रखना है. देन मेरा राशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम के अंदर. तो ये किसने तैयार किया है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने इसे तैयार किया है. फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेट प्लेयर जिसने 10,000 रन्स का क्रॉस किया है मार्क, दैट इज मिथाली राज. मिथाली राज ने रिसेंटली 10,000 रन का मार्क क्रॉस कर लिया, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेट प्लेयर टू क्रॉस दिस मार्क. और थीम ऑफ वर्ल्ड किडनी डे लिविंग वेल विद किडनी डिजीजेस, राम्या बिल्कुल, राम्या हैड ऑलरेडी टोल्ड दैट आल्सो. तो लिविंग वेल विद किडनी डिजीजेस, और कब होता है? सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च में.
लक्ष्मी विमेन्स 100 मीटर स्प्रिंट रेस हाल ही में जीती थी। कौन सी जीती थी? हाल ही में सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? चैंपियनशिप पटियाला के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके अंदर विमेन्स 100 के अंदर एस धनलक्ष्मी जीती थी, तो द्वितीय चंद को हरा के जीती थी। द्वितीय चंद तो रनर्स अब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय चंद वॉज द वन जिसको हरा के शी वॉन दिस गोल्ड, और शी वॉन द विमेन्स 100 मीटर स्प्रिंट गोल्ड। ठीक है, द्वितीय चंद को हाल ही में दिया गया छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड। ठीक है, छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड द्वितीय चंद को हाल ही में दिया गया था। देन 2021 इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, ये कब होता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ऑर्गेनाइज्ड? कब होता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स? कब होता है? थीम था मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स? इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब होता है? ये आप लोगों को आंसर करना है। ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थिंग इज कैबिनेट ने PMSSN जो एक सिंगल नॉन लैप्सिबल फंड है उसके लिए एग्रीमेंट दिया था। तो ये जो है, ये PMSSN है क्या? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। स्वास्थ्य सुरक्षा निधि इस PMSSN जिसको हाल ही में अप्रूवल दिया। यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, स्कीम्स सारे पढ़ के जाने हैं। डोंट फॉरगेट टू स्टडी द थीम्स। थीम्स के लिए, उसे स्कीम्स के लिए आई बिलीव वन PDF इज शेयर्ड, एक PDF शेयर भी किया हुआ है मैंने इंपॉर्टेंट थीम्स 2021 का लेकर के, ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर किया हुआ है। सो गो थ्रू दैट एंड अदरवाइज ऑल्सो जो भी रिसेंटली थीम्स आ रही है, गो थ्रू ऑल ऑफ दोज थीम्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी स्कीम्स है याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी कोई भी स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन आ जाता है। 14th मार्च राशि, दैट्स परफेक्टली राइट। 14th मार्च को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, और ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? यूनेस्को ऑर्गेनाइज करता है। इंडिया इज रिसेंटली सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द वर्ल्ड। तो फोर्थ लार्जेस्ट एक्सचेंज बन गया है। यहाँ पे आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट कौन है। तो जल्दी से बता दो, लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व कौन सा है? ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन डिसाइड करता है कि लार्जेस्ट कौन है, किसके पास ज्यादा रिजर्व है? दैट इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज द वन जिसने ये अनाउंसमेंट किया था कि किसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा है, किसका कम है। इंडिया ने रशिया को ओवर पास किया था या सरपास किया था, तो रशिया को क्रॉस करके इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट बन गया है। लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व किसका है? लक्ष्मण पाई रिसेंटली पास्ड अवे, तो अगेन इनका कॉन्ट्रीब्यूशन किसके अंदर था? पेंटिंग के अंदर था। लक्ष्मण पाई वॉज अ पेंटर। नाउ फॉरेक्स रिजर्व सबसे बड़ा चाइना का था। राम्या राशि बिल्कुल सही। लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व यूएसए ने को भी क्रॉस कर दिया चाइना ने, टू बिकम द लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व, सेकेंड बींग यूएसए, राइट। देन इसके अलावा एक चीज और याद रखिए, हाल ही में यूके ने जो उन्होंने फंडिंग देनी थी, यूके वो सपोज, मतलब यूके ने सपोज टू क्या, मतलब प्लेज किया था फंडिंग, वो फंडिंग कट डाउन कर दी रिसेंटली। यूके हैड अनाउंस दैट इज गोइंग टू फंड द यूएन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम या UNFPA, यूनाइटेड नेशन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर यूके देने वाला था फंडिंग। कितना देने वाला था? 154 मिलियन, 154 मिलियन यूरोज का प्लेज किया था। नाउ हाउ वुड यू थिंक, कितना कट किया होगा? वी थिंक यहाँ 100 तक दे देंगे। नहीं, दे हैव मेड अ ह्यूज कट, 154 मिलियन प्रॉमिस करके एंड दे हैव ओनली गिवन 23 मिलियन। 154 मिलियन प्लेज करके ओनली 23 मिलियन यूरोज का फंड उन्होंने अप्रूव किया है फॉर दिस बजटरी कट्स की वजह से। मिशन सागर 4 के अंदर इनमें से कौन सा नेवल शिप है जो पोर्ट अंजॉन कैमरोस गया था राइस डिलीवर करने के लिए? हेल्प जलश्वा गया था। चमचेरी कुनेरम नायर हु पास्ड अवे रिसेंटली, ये कथकली डांसर थे। आर्ट्स एंड कल्चर का याद रखना है, स्पेशली अब जैसे कथकली न्यूज में आ गया, तो कथकली कहाँ का डांस फॉर्म है ये भी पता होना चाहिए। दे कैन आस्क यू फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, ऐसे घुमा के भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट। देन वी हैव
ग्रीवियंस रीड्रेसल पोर्टल जो एनपीसीआई ने शुरू किया है भीम यूपीआई यूजर्स के लिए। तो ये ग्रीवियंस पोर्टल किसके नाम से है? यूपीआई हेल्प के नाम से शुरू है। जैसे गूगल पे वगैरह में तो हमारे पास ऑलरेडी है कि हम कोई भी प्रॉब्लम हुआ हम वहां पे जा सकते हैं, तो इसी तरीके से भीम यूपीआई के लिए यूपीआई हेल्प शुरू किया गया है। नाउ सऊदी अरेबिया को ओवरटेक किसने किया सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया बनने के लिए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ईरान इज द लार्जेस्ट वन, सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया बन गया है, इसे यूएसए बन गया। यूएसए पहले सऊदी अरेबिया हुआ करता था, अब यूएसए सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया इंडिया का। देन ग्रैमी अवार्ड्स, देखो ग्रैमी अवार्ड्स ऑस्कर्स हो गए और बाफ्टा एंड IFFI एंड देन वी हैव FIAF जो अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था। ये कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो आप लोगों को देखने ही है फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अगर देखे तो। और इसके अलावा स्टार गिल्ड अवार्ड्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, गिल्ड अवार्ड्स क्योंकि नोमैडलैंड जीता था इस वजह से इंपॉर्टेंट था, तो वो देखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। और इसके अलावा और इंटरनेशनल अवार्ड्स में कौन कौन से याद रखने हैं? नोबेल प्राइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, देन नोबेल प्राइज ऑफ एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटर साइंस जो ट्यूरिंग अवार्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर प्रिट्जकर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलित्जर अवार्ड जो इसके लिए दिया जाता है प्रेस वालों को दिया जाता है या इन्हीं चीजों से जुड़े हुए न्यूज न्यूज एंड एजेंसीज उनको दिया जाता है पुलित्जर अवार्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंटरनेशनल अवार्ड ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जापान का रिसेंटली अवार्ड दिया गया था, राइजिंग सन अवार्ड जो है जापान का, वो हाल ही में दिया गया था श्यामला घोष को, जो इंडियन टीचर है, इंडिया की बेंगलुरु बेस्ड टीचर है, जापानीज टीचर, उनको दिया गया था, तो वो अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजिंग सन अवार्ड जो जापान का है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ग्रैमी के अंदर अगर हम बात करें एल्बम ऑफ द ईयर, दैट वाज ऑफ टेलर स्विफ्ट, फोकलोर। फोकलोर किसकी है ये भी याद रखना है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फोकलोर एल्बम किसका है? टेलर स्विफ्ट का है, राइट। देन मार्विन हेगलर हु पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज द ग्रेट लेजेंड ऑफ बॉक्सिंग, बॉक्सिंग के लेजेंड माने जाते हैं, राइट। ऑल राइट, देन वी हैव वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को होता है और इस बार का थीम क्या था? टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। इंडिया प्लास्टिक पॉल्यूशन फ्री होने, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होना चाहता है 2022 तक। इंडिया का टारगेट है 2022 तक प्लास्टिक पॉल्यूशन या सिंगल यूज प्लास्टिक हमें बिल्कुल रिड्यूस कर देना है। फॉरेक्स रिजर्व टॉप पे कौन सा था? चाइना था, वी हैड ऑलरेडी सीन दैट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज करी थी सना मरीन जी के साथ। सना मरीन कहाँ की प्राइम मिनिस्टर है? फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। फिनलैंड इज वन ऑफ दोज कंट्रीज विच इज मोस्टली टॉप रैंक इन मोस्ट कैटेगरीज। तो ये जो भी इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस की अपना एक लिस्ट बना के रख लो, क्योंकि हर एग्जाम में इंडेक्सेस काम आते हैं, मंथली हर मंथ उसको अपडेट करते रहा करो एंड कीप विजिटिंग दैट, राइट। इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनसे स्टैटिक क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर IQ वर्ल्ड एयर रिपोर्ट के अंदर मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सा था? न्यू दिल्ली। वैसे इसका रैंक 10th था लेकिन मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल जो है वो न्यू दिल्ली था। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सा था? जिनजियांग। जिनजियांग जो है ये चाइना की सिटी थी, ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी था, टॉप रैंक पे था, लेकिन सिंस ये कैपिटल सिटी नहीं है तो ये मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी में नहीं आया। और ये भी याद रखना है 10 टॉप 10 की अगर हम बात करें तो टॉप 10 के अंदर सिर्फ फर्स्ट रैंक होल्डर चाइनीज का सिटी थी जिनजियांग, बाकी सेकेंड रैंक से 10th रैंक तक लेकर ऑल ओवर इंडियन सिटी, सब इंडियन सिटीज थी जो IQ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से बिगेस्ट पॉल्यूटर्स हैं। लो उटेन्स ऑडियो कैसेट टेप के इन्वेंटर हैं, ये किस देश के हैं? नेदरलैंड्स के हैं। IPU इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के प्रेसिडेंट, जिन्होंने हाल ही में 16 मार्च को मीटिंग भी कंडक्ट करी थी, तो ये IPU के प्रेसिडेंट कौन है? दुआत्वे पशेओ इज द करंट प्रेसिडेंट। और यहाँ पे जब ये प्रेसिडेंट वगैरह अपॉइंट हो रहे थे उस टाइम पे मीडिएटर कौन था? इंडियाज लोकसभा स्पीकर,
लोकसभा स्पीकर इंडिया के जो है ओम बिरला, वो मीडिएटर थे व्हेन दिस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ आईपीयू वाज गोइंग ऑन, राइट। वो हैप्पीनेस के अंदर तो फिनलैंड हमेशा ही टॉप करता है, इट हैज बीन टॉपिंग इट फॉर सो लॉन्ग। डेडलाइन जो आरबीआई ने सेटअप करी है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, नया चेक ट्रंकेशन सिस्टम, आरबीआई ने गाइडलाइंस पहले ही रिलीज कर दी थी, लेकिन अब इसे इंप्लीमेंट करने के लिए भी डेडलाइन आ गई है, 30 सितंबर की डेडलाइन सेटअप की गई है। मोहम्मद नावीद एंड शैमैन अनवर बट, इन्हें बैन किया गया है सभी क्रिकेट फॉर्म्स से अगले 8 साल के लिए, आईसीसी ने बैन किया है। तो किस देश के हैं? यूएई के। ऐसे अफगानिस्तान के प्लेयर को भी बैन किया गया है, देयर हैव बीन टू प्लेयर्स ऑफ अफगानिस्तान, आई बिलीव ये श्रीलंका, श्रीलंकन प्लेयर्स, या दो श्रीलंकन प्लेयर्स हैं, उनको भी बैन किया गया है, अगेन आईसीसी का कोड ब्रेक करने के लिए, एंटी करप्शन कोड जो, राइट। नाउ विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द मेजर पोर्शंस, मेजर न्यूज इवेंट्स हमारे कवर हो गए हैं, जनवरी के, फेब्रुअरी के, मार्च के, आई थिंक दीज 3 मंथ्स वी हैव डन, हमने ये 3 मंथ करे हैं, वी कुड कवर ओनली दीज 3 मंथ्स। एंड इसके अलावा आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप पे एक दिसंबर की पीडीएफ भी है, तो सिंस आप लोग एसएससी के बैच वाले ग्रुप में ही एडेड है, तो दिसंबर की पीडीएफ आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, वो पूरी एमसीक्यू बेस्ड पीडीएफ है, ठीक है, उसमें सारे एमसीक्यू बेस में क्वेश्चंस हैं, यू कैन एक्सेस दैट सिंस यू आर इन द सेम ग्रुप। तो अगर किसी को एक्सेसिबल नहीं है तो डू लेट मी नो। अब कल से हमारा स्टैटिक का सेक्शन शुरू होने वाला है, स्टैटिक की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो स्टैटिक पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, सो रिवाइज ऑल द करंट अफेयर्स एंड कम, क्योंकि करंट से जुड़ा हुआ हम लोग करने वाले हैं। एसएससी चैनल राम्या, एसएससी अड्डा वाले चैनल पे मेरी क्लास नहीं होती है अब, आई डोंट टेक क्लासेस ओवर देयर एनीमोर, तो मैं यूट्यूब बेस पे क्लास वहां पे नहीं लेती हूँ, लेकिन वही क्लास नाउ इज ऑन माय चैनल, तो आशिमा शुक्ला अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां पे सेम टाइम 6 बजे ही, 6 AM पे क्लास होती है फॉर एसएससी एस्पिरेंट्स ओनली, एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए होती है। एंड सून इनफ एक क्लास शुरू होने वाली है फ्रॉम थर्सडे 9 PM, एसएससी स्टूडेंट्स के लिए 9 बजे, ऑल दो एसएससी के यूट्यूब चैनल पे नहीं है बट 9 बजे क्लास शुरू होने वाली है, अगर आप लोगों को इवनिंग का टाइम चाहिए तो, राइट। सो दोनों टाइमिंग पे आई टेक क्लासेस, यू कैन टेक दोस क्लासेस ऑल्सो, राइट। ऑल राइट, वंडरफुल, सो नाउ आई विल बी टेकिंग योर लीव, थैंक यू सो मच, इट हैज बीन वंडरफुल इंटरेक्टिंग, एंड प्लीज डू रीड एंड कम, राइट, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई थिंक आपका दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, इट्स ऑलरेडी 34 नाउ, सो हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे सेफ एंड सी यू टुमारो ऑल ऑफ यू।